सो गाइस के आप लोग लेना चाहते हैं एक पीसीएल लैपटॉप, बट कंफ्यूज है कौन सा पीसीएल लैपटॉप आपके लिए बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी है, सो वीडियो को देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं गेमिंग बड़ी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो गाइस, जब आप एक पीसीएल लैपटॉप लेने जाओगे सो मेन उस पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है रैम, ग्राफिक कार्ड, सीपीयू और एएमयू। अभी रैम बहुत टाइप के आते हैं, जैसे 2GB रैम, 4GB रैम, 8GB रैम एंड सो ऑन। रैम की तो कोई लिमिट नहीं है गाइस, आप जितनी लगाओगे उतना आपका लैपटॉप फास्ट रहेगा, बट पैसे भी उतनी लगे। सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो होता है ग्राफिक कार्ड, जो कि मेनली एडिटिंग एंड गेमिंग के काम आता है। अभी सीपीयू वर्ड तो आपने काफी सुना होगा, बट एएमयू शायद आपने ना सुना हो। जैसे मैंने बताया, जो ग्राफिक कार्ड होता है एडिटिंग एंड गेमिंग के काम आता है, बट वो काफी टाइम बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए अब एएमयू बनाया गया, जिसमें एक बिल्ट इन ठीक ठाक सा ग्राफिक कार्ड होता है, जो कि अच्छे से आप ठीक ठाक एडिटिंग एंड गेमिंग कर पाओगे। ठीक ठाक नहीं, मैं अच्छी बोल रहा हूँ कि मेरे पास भी एक एएमयू है और मैं अच्छे से सारे वीडियोस एडिट कर लेता हूँ और अच्छे से गेमिंग भी कर लेता हूँ। सो आप लैपटॉप काफ़ी काम के लिए ले जा सकते हो, जैसे कि ऑफिस वर्क, ऑनलाइन स्टडीज एंड गेमिंग। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑफिस एंड ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। सो गाइस, अभी आपको यहाँ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें मैं आपको कुछ अच्छे लैपटॉप जो कि बजट के अंदर और आपके काफ़ी काम आ सकते हैं वो दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4GB रैम लैपटॉप्स के बारे में। गाइस, 4GB रैम ऑनलाइन स्टडीज एंड ऑफिस वर्क के लिए बहुत अच्छी होती है, बट अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हो जिसको आप काफ़ी टाइम तक चलाना चाहते हो, सो आई सजेस्ट यू गो विद 8GB रैम, क्योंकि 8GB रैम फ्यूचर ऑफिस वर्क एंड ऑनलाइन क्लासेस की काफ़ी काम आएगा। सो सबसे पहले हमारे लिस्ट में है डेल वोस्ट्रो, जो कि 4GB रैम 256GB SSD के साथ आता है और इसमें i3 10th Gen AMU है। मैं बता दूं, सब लोग CPU बोलते होंगे, बट ये एक AMU है जिसमें एक बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं SSD क्या है। आपने सुना होगा हार्ड ड्राइव, बट ये होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये हार्ड ड्राइव से 10 times फास्टर होती है, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉम्पैक्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हार्ड ड्राइव में एक डिस्क होती है जो कि गोल घूमती है, बट SSD में ऐसा नहीं होता है। सो ये काफ़ी फास्ट होती है और ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। सो आई सजेस्ट यू टू गो विद दिस बिकॉज इट वैल्यू फॉर मनी एंड बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। और अगर आप कोई और लैपटॉप लेना चाहते हो तो उसके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये सारे लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है और आप एक 8GB रैम लैपटॉप लेना चाहते हो, सो मैं आपको बोलूँगा आप असूस वीवो बुक के साथ जाओ, क्योंकि 42,000 का है एंड इसमें आपको 8GB रैम 512GB SSD एंड विंडो 10 होम मिल जाएगा। और इसमें CPU भी राइजन 5 क्वाड कोर है, जो कि काफ़ी अच्छा CPU है और इसमें आप आराम से गेमिंग भी कर पाओगे और हैवी गेम्स जैसे GTA 5, वॉच डॉग्स 2 भी ये अच्छे से हैंडल कर लेगा। हाँ, शायद आपको लो सेटिंग्स में थोड़ा चलाना पड़े, बट हाँ, आप इसको आराम से खेल पाओगे। और गाइस, अब हम बात कर लेते हैं गेमिंग के बारे में। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है सो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा आप मिनिमम 8GB रैम के साथ ज़रूर जाओ, क्योंकि वो फ्यूचर गेमिंग और अगर आपको रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग करनी है यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, सो उसके लिए भी वो काफ़ी काम आएगा। सो जल्दी से मैं आपको कुछ लैपटॉप दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे लिस्ट में Acer Aspire 7 Ryzen 7 क्वाड कोर, ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है गाइस, ये 60,000 का है और इसमें Ryzen 7 क्वाड कोर है। ये Ryzen 7 काफ़ी अच्छा CPU है और इसमें आपको 8GB रैम 512GB SSD एंड 4GB का एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, जो कि है GTX 1650 और इसमें आपको 60Hz का मॉनिटर भी मिलेगा। और गाइस, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लैपटॉप हैं, जो MSI GL 65 है, ये तो काफ़ी महंगा है, बट अगर आपको देखना है तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में बता देना अगर आपको इस लैपटॉप की डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपने एक लैपटॉप चूज़ कर लिया है और आप चाहते हो कि वो हमेशा फ्यूचर तक फास्ट रहे, सो उसके लिए मैं आपको कुछ प्रो टिप देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मम्मी की फ़ोटोज़ का भी लैपटॉप में मत रखना। हाँ गाइस, थोड़ा फनी है, बट कभी भी अपनी मम्मी के लिए फ़ोटोज लैपटॉप में मत रखना, क्योंकि पहले तो वो रख लेंगी कुछ फ़ोटोज़, बट बाद में इतनी फ़ोटोज़ आती हैं गाइस, इतनी मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, ठीक है, मत रखना, बहुत स्लो जाएगा लैपटॉप। और दूसरा, शट डाउन करना, रेगुलर रिस्टार्ट्स देना और हाँ, सॉफ्टवेयर हमेशा फुल्ली अपग्रेडेड रखना।
मेरा लैपटॉप इसलिए आज भी फास्ट है, भले उसमें 4 GB रैम है बट इसलिए फास्ट है क्योंकि उसके सारे सॉफ्टवेयर फुल अपग्रेडेड है। और हाँ, कभी भी बाहर की साइट, भले वो पेड हो या कुछ भी हो, बहुत अच्छा नाम हो, उनसे अपना सॉफ्टवेयर मत अपडेट करवाना, क्योंकि क्या शायद वो इंटेंशनली आपका लैपटॉप ना खराब करना चाहते हो, बट ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो विंडो अपडेट जो होते हैं उन्हीं करना, और इंटेल या जो भी आपके पास है, इंटेल, एनवीडिया, एएमडी, उनकी ऑफिशियल साइट से ही अपग्रेड करना। सो आज का वीडियो थोड़ा छोटा था, बट इसमें थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि आप अगर लैपटॉप लेने वाले हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का लाइक है मैं 5 लाइक्स, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।